1947 को मनाया गया था भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस। साल 1947, 15 अगस्त का एक ऐसा दिन जिसे भूलकर भी भुलाया नहीं जा सकता। इस दिन ब्रिटिश शासन द्वारा 200 साल के राज के बाद देश आजाद हो गया था। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस दिन से भारत में रहने वाले हर एक नागरिक को स्वतंत्रता मिली थी। 15 अगस्त का दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आजाद कराने में अपना सब कुछ लगा दिया। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुखदेव, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस समेत असंख्य वीरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया और आजाद भारत के सपने को साकार किया। ये इन असाधारण वीरों का बलिदान ही है कि आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं है, बल्कि देश के उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने का जरिया भी है, जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। ये दिन राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और निष्ठा दिखाने का दिन भी है, साथ ही ये आने वाले युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझने और देशभक्ति का महत्व समझने के लिए स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराया करते हैं। ये दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पूरे देश के स्कूलों में भी मनाया जाता है। भारत में हर साल 15 अगस्त के लिए सरकार द्वारा एक नया थीम सेट किया जाता है और हर बार की तरह इस साल भी एक नई थीम सेट की गई है, जिसका नाम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। परंपरा के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ये लगातार 8वीं बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से अपना भाषण देंगे। टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता सभी एथलीटों को इस आयोजन के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा गया है। कोरोना महामारी के चलते पिछले साल की तरह इस साल भी आयोजन में लोगों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी और किसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।